अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइमोलेट एन 5 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये बायर फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो है नॉरएथिस्टेरोन, जिसे नॉरएथिंड्रोन भी कहते हैं, 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव क्लास ऑफ प्रोजेस्टिन से बिलोंग करती है, जो कि सेम वर्क करती है जैसे आपका नेचुरल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन काम करता है। और ये यूजली फीमेल के गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और फीमेल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले शॉर्टली हम प्रोजेस्टेरोन की केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, थ्रू आउट द मंथ फीमेल की ओवरी से रिलीज आउट होता है, जो कि यूजली फीमेल के मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड को रेगुलेट करता है और प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करवाता है। और इसके साथ ही एक नॉर्मल फीमेल को फर्टिलाइजेशन और फर्टिलिटी के लिए भी प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए, यानी अगर आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो, इरेगुलर हो, हैवी पीरियड्स हो या पेनफुल पीरियड हो, या आपको मोर फ्रीक्वेंटली पीरियड्स हो एज कंपेयर टू नॉर्मल, तो उनको रेगुलर और मेंटेन करने के लिए आप इस ड्रग को सेफली यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी वजह से अपने पीरियड्स को प्रोलोंग करना हो, एक्सटेंड करना हो, तो आप इसको रिलायबली और सेफली अप टू 17 डेज तक अपने पीरियड्स को एक्सटेंड कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपको डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग हो, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो, जिससे आपको वीकनेस और कमजोरी भी हो जाती है, और एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से भी कम का रह जाता है, जिसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, जिसमें यूट्रस की मिडल लेयर में एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, जो कि सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन को कॉज करती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे सिंपली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको पीरियड्स ना आ रहे हो या पीरियड्स आना बंद हो गए हो, जिसे एमिनोरिया कहते हैं, तो उसके लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाना चाहती हो, प्रेगनेंसी ना करवाना चाहती हो, तो इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पर भी यूज किया जाता है। इसके साथ ही सर्टन अदर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसा कि मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोपीथिया हेमोरेजिका हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन होगी, डिसमेनोरिया हो गया, या पोस्टपोन्टम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे सिंपली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो पीरियड डिले के लिए आपने 5 मिलीग्राम नॉरएथिस्टेरोन दिन में 3 मर्तबा यूज करनी है, और आपने इसे अपने पीरियड्स के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले यूज करना है और अप टू 14 डेज तक यूज करना है। और जैसे ही आप इसे लेना छोड़ देंगी तो आपको पीरियड्स दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। ब्लीडिंग रोकने के लिए आपने 5 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा यूज करनी है और 3 दिन तक यूज करनी है। सेम इन द केस डिसमेनोरिया के लिए भी आपने सेम डोज दिन में 3 मरतबा यूज करनी है, और आपने इसे हर गिज भी एज अ सेल्फ मेडिकेशन या खुद से यूज नहीं करना, बल्कि अपने फिजिशियन और प्रॉपर गायनेकोलॉजिक रिकमेंडेशन से इसे यूज करना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ का होना, मेस्टेल्जिया यानी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या ब्रेस्ट टेंडरनेस का होना, स्लीपिंग ऑर्डर का डिस्टर्ब होना, माइग्रेन पेन होना, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प होना कॉमन है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें, तो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन और वो फीमेल जो इन फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो वो इसे हर किस भी विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें।
इसके साथ ही एपिलेप्सी के पेशेंट, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज के पेशेंट भी इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।